the reproductive system, the system which helps in reproduction. मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसकी सहायता से एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह के दूसरे ऑर्गेनिज्म बना सकता है. Isn't it interesting? Yes, it is a beautiful love story between Mr. Sperm and Miss Eggy. But before I begin this love story, we have to ask some questions. What's the need of this love story? What's the need of their meeting? Means, what I want to say is, why reproduction is necessary? Let's find out. To maintain the continuity of species, number one. Number two, to replace the dead species. Means, जो species लगातार मर रही हैं, उनको replace करने के लिए नई species की जरूरत है. Number three, to maintain the balance in the universe and ecosystem. What is ecosystem? Ecosystem is a balance between human, animals and plants. ये ecosystem unstable हो जाता है अगर किसी तरह की एनिमल की प्रजाति लुप्त हो जाए, या किसी तरह की प्लांट की प्रजाति लुप्त हो जाए, या हम ह्यूमन बीइंग्स लुप्त हो जाए. तो इसको स्टेबल रखने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है. नंबर फोर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू क्रिएट वेरिएशन एंड इवोल्यूशन. मीन्स बदलाव लाने के लिए और इवोल्यूशन. इवोल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ पॉजिटिव चेंज इन द फिजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीसीज over successive generations to adapt better with the changing environment. Means, बदलते परिवेश के हिसाब से species का खुद को बदल लेना evolution कहलाता है. For example, अभी कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, लेकिन ये पहली महामारी नहीं है जो हमारे ग्लोब पे फैली है. इससे पहले भी बहुत सारी महामारियाँ फैल चुकी हैं और फैलती रहती हैं. जैसे कोलेरा आज से कई साल पहले फैला था, फ्लू फैला था, लेकिन हमने अपने आप को इवोल्व कर लिया, जिस वजह से अब वो वायरस या बैक्टीरिया हमें उतना हार्म नहीं पहुंचा पाते जितना पहले पहुंचाते थे. या दूसरा, हमने उनके प्रति वैक्सीन डेवलप कर ली. मींस बदलाव कर लिया, अपने आप में इवोल्व कर लिया कि अब वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते. हो सकता है हमारी आने वाली सक्सेसिव जनरेशन ऐसी पैदा हों जिससे ये COVID-19 नाम की डिजीज हमें कोई नुकसान ही ना कर पाए. ठीक है, दिस इज इवोल्यूशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. नाउ द फिफ्थ पॉइंट, टू स्टॉप एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज. एक्सटिंक्शन मीन्स एक जाति का लुप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना. और एक्सटिंक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल डायनासोर्स हैं. आज से लगभग 250 मिलियन ईयर्स एगो, दैट वाज द ईरा ऑफ मेसोजोक ईरा, नोन एज मेसोजोक ईरा. In that era, dinosaurs ruled the earth because at that time the climate was favorable for them. It was very hot and humid climate. But बदलते time के साथ climate में बदलाव आना शुरू हुआ और weather थोड़ा ठंडा होने लग गया. लेकिन उस बदलते weather के अनुसार dinosaurs खुद को बदल नहीं पाए, वो इवॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए धीरे धीरे मरने लगे और एट द एंड उनकी प्रजाति विलुप्त हो गई और बदलते वेदर के साथ नई प्रजातियां अर्थ पर आने लगी. ठीक है, सो दिस इज टू स्टॉप एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी. नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन? मैं बता चुका हूं कि एक स्पीसीज का अपनी ही तरह की दूसरी स्पीसीज बनाना इज अ रिप्रोडक्शन. ठीक है, दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके अंदर दो गैमेट्स, दो सेल्स मिलकर अपनी ही तरह के अलग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं. तो रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है. नंबर वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर टू इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट refers to the type of reproduction in which only a single organism give rise to a new individual. मतलब एक सेल अपनी ही तरह का दूसरा सेल बना देता है बिना किसी
और की हेल्प के. दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट डजंट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स एक ऐसा मैच्योर सेल होता है जो किसी दूसरे मैच्योर सेल के साथ मिलकर अपनी ही तरह का अलग ऑर्गेनिज्म बना सकता है. ठीक है, तो इसमें गैमेट्स के फ्यूजन की जरूरत नहीं होती. द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. इसमें क्या है, वेरिएशन नहीं होती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग पैदा होगा. और क्या है, दो द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर लेस डाइवर्स इन नेचर. उसमें डाइवर्सिटी कम होगी, उसमें इवोल्यूशन कम होगा. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रैक्टिस्ड वाइडली बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मतलब जो एक सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, एमीबा, यीस्ट, ये एक तरह एक सेल के वन सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इनके अंदर रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होता है. ये कैसे होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? दिस इज द डायग्राम. दिस इज अ पेरेंट सेल. ये जैसे जैसे मैच्योर होगा, ये दो सेल में अपने आप डिवाइड हो जाएगा और दोनों सेल आइडेंटिकल होंगे. ठीक है, नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. मीन्स एक मेल का गैमेट और एक फीमेल का गैमेट, इन दोनों का फ्यूजन होगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है. इन दिस मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग. मीन्स मिस्टर स्पर्म एंड मिस एगी की यहाँ जरूरत है हमें रिप्रोडक्शन करने के लिए. दिस प्रोसेस इज यूजुअली स्लो एंड कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू असेक्सुअल प्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये प्रोसेस स्लो और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है. The organisms so produced are genetically diverse. जो इसके द्वारा organism produce होते हैं वो genetically diverse होते हैं. Thus they can evolve along with changing climate conditions. Means वो बदलते climate condition के हिसाब से खुद को ज़्यादा अच्छे से evolve कर सकते हैं. Humans and many multicellular organisms exhibit a sexual mode of reproduction. Means हम ह्यूमंस और इसके अलावा बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे एनिमल्स, कुछ प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक फीमेल है, एक मेल है. फीमेल के एग को ओव्यूम बोलते हैं और मेल के एग को स्पर्म बोलते हैं. स्पर्म और ओव्यूम का जब फर्टिलाइजेशन होगा उसको हम जाइगोट बोलते हैं और वो धीरे धीरे एम्ब्रॉय में चेंज हो जाएगा और एक नए जीवन की उत्पत्ति होगी. ठीक है, नाउ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल ऑर्गन्स एंड फीमेल ऑर्गन्स. इसमें आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई ऑर्गन्स होते हैं, जैसे टेस्टिस, पेनिस, आपका सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, वासा डिफेंस. ऐसे ही फीमेल के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ओवरीज, फ्लोपियन ट्यूब्स, वेजाइना, यूट्रस. इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू. Now, आगे आने वाली वीडियोज में हम पढ़ेंगे कि कैसे what's the history of Mr. Sperm and Miss Eggy. Means how they take birth and get mature and then when and where they meet and how they help in reproduction. So, to get these answers, subscribe the channel for more such episodes. Thank you.